तो लोकसभा और राज्यसभा में अंतर देखना है तो सबसे पहले समझते हैं लोकसभा है क्या और राज्यसभा क्या है। ये संसद के अंग हैं। संसद के तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और क्या, राज्यसभा। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में। किस अनुच्छेद में? 80 में। जो मूल संविधान थे उसमें 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद में से क्या 21 हैं और ये 80 हैं। तो संसद का गठन किस में है? 79 में। संसद का जो गठन है, जहाँ चार लोग बैठ जाए चाय की दुकान पर या कहीं पर भी, वो हमारा क्या हो गया? संसद हो गया। वो हमारा संसद हो गया। जहाँ भी चार लोग आपस में बात करने लगे, वो हमारा संसद। तो संसद के तीन पार्ट होंगे, राष्ट्रपति भी यदि ले लेते हैं तब, अन्यथा इसके लोकसभा और क्या, राज्यसभा। तो लोकसभा को प्रथम सदन बोलते हैं। कौन सा? प्रथम सदन। दो ही सदन है, इसको द्वितीय सदन, द्वितीय सदन। और इसको बोलेंगे उच्च सदन। इसको क्या बोलेंगे? उच्च सदन। और इसको बोलेंगे निम्न सदन। कौन सा? निम्न सदन। ये तो सदन की बात हो गया। अब सीट की बात करें तो इसमें मैक्सिमम जो है 552 और इसमें 250 सीट है। और जो चुनाव होता है वर्तमान में तो वो 545 पर, कितने? 545 पे। और इस पे 245 पे, 245 पे। ये तो कुल हुआ, टोटल नंबर पूछेंगे तब। ये भी टोटल नंबर पूछेंगे तब की बात है, ये वर्तमान की बात है। ये क्या है? वर्तमान की बात है। और ये भी वर्तमान की बात है। अब इसमें कुछ राष्ट्रपति मनोनीत भी करते हैं, तो इसमें 12 मनोनीत करेंगे। 12 कम कर दोगे तो 233 पर निर्वाचन होगा, 233 पर निर्वाचन होगा। और इसमें दो मनोनीत करेंगे, मतलब 543 पर, 543। अब बात करें निर्वाचन का, तो इनका अप्रत्यक्ष रूप से होगा, अप्रत्यक्ष पद्धति द्वारा होगा, इनका प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष में कौन से आएंगे? 18 वर्ष की आयु वाले, 18 वर्ष की आयु वाले जितने भी व्यक्ति हैं, इससे अधिक या 18 वर्ष, ये सब क्या होंगे? इसमें भाग लेंगे लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में। और ये पहले 21 वर्ष का था, 61वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा 1989, इसके द्वारा क्या कर दिया गया? 18 वर्ष का आयु कर दिया गया। इसके पहले क्या था? 21 वर्ष था। और इसमें, इसमें तो अब लोग तो भाग नहीं लेंगे। और अब बात करें न्यूनतम आयु की, तो न्यूनतम इनकी आयु 25 वर्ष, मतलब सदस्य की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। आय इनकी 30 वर्ष, कितना? 30 वर्ष। और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए क्या होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है, अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति। और 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति। तो 25 वर्ष और क्या? 30 वर्ष। अब कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष, कितना? 5 वर्ष। ये पद ग्रहण से 5 वर्ष तक अपने कार्यकाल में बने रहेंगे। और इन्हीं के मुखिया क्या होते हैं? प्रधानमंत्री भी होते हैं। क्या? प्रधानमंत्री। राज्यसभा के भी होते हैं, लेकिन इनके जो प्रमुख होते हैं वो क्या होंगे? पीएम के पद पर होंगे। और इनका कार्यकाल देखोगे तो 6 वर्ष का होगा, लेकिन 2 वर्ष पर, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य, एक तिहाई। हाँ, तो इनका 5 वर्ष और इनका 6 वर्ष, 2 वर्ष पर एक तिहाई क्या हो जाएंगे? पदमुक्त हो जाएंगे। अब गणपूर्ति की बात करें, मतलब सदन कैसे चलेगा, कितनी उपस्थिति पर चलेगा,
एक बटा दस सदस्य यदि उपस्थित रहेंगे तो सदन चलेगा। इसमें भी एक बटा दस सदस्य उपस्थित रहेंगे तो सदन। इनकी अवधि क्या होता है? हर छह माह के भीतर क्या होना चाहिए? अधिवेशन हो जाना चाहिए 6 माह के भीतर। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या करते हैं? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला लेते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 के तहत तो मोटा मोटा देख लीजिए, उच्च सदन होगा ये, क्या निम्न सदन होंगे ये, प्रथम और द्वितीय कुल सदस्य, और इसकी बात दिया गया है सीटें, अधिवेशन, गणपूर्ति और कार्यकाल। कार्यकाल एज की बात करें तो ये 25 वर्ष और ये 18। इसे 81 याद कैसे करोगे? क्योंकि ये 18 वर्ष वाले देते हैं तो 18 का उल्टा कर दो, 18 का उल्टा कर दो, ये देखो 81 याद हो गया, क्योंकि 80 और 81 में कन्फ्यूज रहोगे। जब ये 81 हो गया तो ये 80 हो ही जाएगा, इससे कम कर देना, क्योंकि 79 में हमारा क्या है? सांसद है, संसद का गठन है, और ये 80 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। लिखना चाहो लिख लो। ये नहीं समझ में आया, अरे 18 को उल्टा कर दो, 8 को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं उल्टा, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट कर दो, 81 आ गया, 81 अनुच्छेद याद हो जाएगा इसी से। अब 80 उससे पहले है राज्यसभा है, क्योंकि वो उच्च सदन है, क्या है ये? हमारा उच्च सदन है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में।